ममता बनर्जी जी खुद महिला हैं और एक महिला का दुख दर्द वो समझती हैं। बीजेपी को घटनाओं से राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए। ये हमारे पत्रकार साथी ने पूछा था, ममता बनर्जी जी खुद महिला हैं और एक महिला का दुख दर्द वो समझती हैं। उन्होंने कार्रवाई की है और जो उनकी डिमांड थी सीबीआई या अन्य संस्था से जांच कराने का, वो भी फैसला सरकार ने लिया है। लेकिन इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। और अगर बंगाल के बारे में इतनी चिंता है, स्वाभाविक है जो घटना हुई है उस हिसाब से जो लोग डॉक्टर्स हैं सब लोग स्ट्राइक पे गए हैं। लेकिन बीजेपी को घटनाओं से राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए। किसी भी घटना से राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए बीजेपी को। आप बताइए सोनभद्र में जो बेटी के साथ हुआ है उसमें क्या बीजेपी कर रही है, या लखनऊ में एक दलित माँ ने आत्मदाह कर लिया था मुख्यमंत्री ऑफिस में, मुख्यमंत्री कार्यालय में। सोचिए आप, कभी आप कल्पना कर सकते हैं? और फिर झूठा फंसाना, अगर आप पत्रकार हो आपने तो खुद फेस किया है, आप सच्चाई से न्यूज चला देते थे, आप पे मुकदमा हुआ है। एक आध पत्रकार शायद यहाँ भी जेल गया था, बगल के जिले के जेल गए थे, नहीं बगल के जेल के गए थे और इसी जेल में रहे थे, आजमगढ़ की जेल में, याद होगा आपको। तो ऐसी भी सूचना है सर, 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 समय पे किसानों सरकार बनाए किसान भाई लोग। यूपी में जो है आपके गले का गुलाबी गमछा है वो ट्रेंड कर रहा है, कुछ पदाधिकारियों ने पूछा इस गमछे का क्या रहस्य? देखिए दो रहस्य बता दो फिर अपनी बात खत्म कर दो। चुनाव में मुझसे एक ने पूछा कि आप गमछा क्यों पहने हुए हैं ये, और दूसरा उन्होंने कहा इतनी गर्मी है उसमें सदरी क्यों पहने हुए। तो मैंने उन साथी से कहा कि कभी कूलर देखा है आपने? कूलर, कूलर को देखते होंगे आप कि एक जाली लगी रहती है उसमें पानी डाला जाता है और उसके बाद पंखा चलता है तो ठंडी ठंडी हवा आती है। तो मैंने कहा चुनाव में जैसे ही मैं घर से निकलता हूँ हमारे पूरे कपड़े भीग जाते हैं, फिर पूरे चुनाव में जो हवा चलती है उसे ठंडी ठंडी हवा खाता जाता हूँ मैं। और गमछे का राज ये है कि इसमें आशीर्वाद भी छिपा हुआ है और बहुत से साधु संतों का, क्योंकि लाल रंग ही बहुत करीब है इसलिए आशीर्वाद है। और फिर ये कहीं ना कहीं जुड़ाव पैदा करता है हमारे सीधे सीधे हमारे गांव गरीब लोगों से। और दूसरा, इतनी गर्मी में चुनाव था, इतना धूल धक्कड़ चुनाव में था, तो जहाँ आशीर्वाद था वहाँ धूल धक्कड़ से और पसीने से बचने के लिए गमछा काम आ रहा था। भैया एक सवाल, तो अब ये ड्रेस का हिस्सा हो गया है। भैया एक सवाल, सर एक सवाल, 69,000 शिक्षकों ने ये कहा कि सारी प्रक्रिया 3 महीने के अंदर पूरी करके नए तरीके से काम करे, तो क्या आप इसके अगेंस्ट जाएंगे या इसके का? मुझे उम्मीद है जो बच्चों की मांग है उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी, उनको हक मिलेगा। जो उनकी आरक्षण की लड़ाई थी, जो भेदभाव का सूची बनाई थी सरकार ने, हमें उम्मीद है कि उन बच्चों को न्याय मिलेगा। उन बच्चों ने बहुत लंबा संघर्ष किया है, शायद इतना बड़ा आंदोलन इतने लंबे समय तक आंदोलन किसी ने नहीं किया होगा जितना 69,000 वाले शिक्षक भर्ती वालों ने किया है। उन्हें कहाँ नहीं परेशान होना पड़ा। त्यौहार रहे होंगे तो वो लखनऊ में धरने पर बैठे थे, कई त्यौहारों पर उन्हें अपमानित करने का काम किया गया, मुख्यमंत्री आवास गए अपनी बात को कहने के लिए उन्हें अपमानित होना पड़ा, मंत्रियों के यहाँ गए वहाँ अपमानित होना पड़ा। हम लोगों से जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं सबसे अलग अलग समय पे अलग अलग ग्रुप मिला है, आज उन्हें न्याय मिला है। हमें उम्मीद है कि सरकार उनका न्याय देगी, उनके साथ नाइंसाफी नहीं करेगी और सरकार ये भी आगे ध्यान रखेगी कि इस तरह का भेदभाव किसी के साथ नहीं हो। मैंने उसमें कहा है कि किसी भी तरह का संविधान से दिया हुआ आरक्षण में छेड़खानी स्वीकार नहीं कर सकते। मैंने आपसे कहा किसी तरह का छेड़खानी नहीं स्वीकार कर सकते समाज से।